के खिलाफ करे। आज तो ये भी होता है कि किसी लड़की से प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की, अफेयर की बात की, रिश्ते की बात की, और फिर का तेरे साथ शादी करेंगे, और फिर शादी के नाम पे उसका शबाब लूट लिया, उसके साथ जिना कर लिया, उसके साथ सारी रंगरेलियां मना ली, सारा खेल कूद कर लिया, और उसके बाद का अब तेरे साथ शादी नहीं करेंगे क्योंकि तू इस काबिल नहीं है, तेरे अंदर ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है। याद रखना, किसी पे जुल्म करने वालों अच्छी तरह याद रखना, पहली बात तो अफेयर करना जायज न था, पहली बात तो नाजायज ताल्लुकात करना जायज न थे, पहली बात तो किसी लड़की से दोस्ती करना जायज न थी, और अगर की थी और वादा किया था अल्लाह अकबर तो ज़िना और उसके साथ तन्हाइयां जायज न थी अल्लाह अकबर। अब उसका शबाब लूट कर उसमें ऐब निकाल कर उसको छोड़कर ऐसे भागते हो जैसे फूलों का रस चूस करके भौरा भाग जाता है दोबारा उधर का रुख नहीं करता, तितलियां फूलों का रस चूस कर दोबारा उधर का रुख नहीं करती, किसी के शबाब से खिलवाड़ करके, किसी के हुस्न से खिलवाड़ करके, किसी की आबरू से खिलवाड़ करके फिर उसको छोड़कर नए शिकार की तलाश में जाने वालों, जान बूझ करके किसी की आबरू के साथ सौदा करने वालों सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फकीह अबुल लैस समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर किसी ने किसी चिड़िया से भी खेलकर उसकी जिंदगी को खत्म किया होगा, किसी ने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, ना खाने की हाजत थी, ना शरई कोई मामला था, सिर्फ अपने नफ्स के लिए चिड़िया से खेला और उसको मार डाला, खेलते खेलते उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया, आका फरमाते हैं वो मरी हुई चिड़िया जिसकी जिंदगी से तुमने खिलवाड़ किया था, जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह की अदालत में फरियाद करेगी, मौला आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, मौला मुझे अदल चाहिए, इस शख्स ने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया था। आका फरमाते हैं उस नन्ही सी चिड़िया की शिकायत बिजली की घन गरज की तरह होगी, जैसे बिजली कड़कती है वैसे नन्ही सी चिड़िया की आवाज में घन गरज होगी, और जिसकी शिकायत चिड़िया कर रही होगी उसका हाल ये होगा, वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है, और फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा जिसने चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ किया आज उसकी नेकियां नहीं देखी जाएगी, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाए। आपसे पूछना चाहता हूँ, नफ्स के पुजारियों से पूछना चाहता हूँ, नफ्सानी ख्वाहिशात में डूबे हुए इंसानों से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा तो पहाड़ों जैसी नेकियां रद्द हो जाएगी और इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा, जिसने लड़कियों की जिंदगी से खेला होगा, आबरू से खेला होगा, उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया के मजे और मस्ती सब कुछ नहीं है, ये दुनिया का ऐशो आराम सब कुछ नहीं है, उस दिन के बारे में डरो जिस दिन के बारे में कुरान कहता है यौम यकूमुर रूह वल मलाइका सफ्फन ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, उस दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, किसी में कलाम करने की जुरत नहीं होगी, उस दिन अपना क्या होगा, जिस दिन अंबिया की जबान पे नफसी नफसी होगा उस दिन अपना क्या हाल होगा। इसलिए लोग लड़कियों की जिंदगी से तो खेलते, खुद की बीवी का अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक दे दे, मारे पीटे, याद रखना अच्छी तरह याद रखना, ये दुनिया है, यहाँ ऐश करने, आराम करने, जुल्म करने नहीं भेजा। कुरान कहता है अल्लदी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि अल्लाह तुम्हें आजमाए कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। उसके बाद अब ये आखिरी बात तस करूंगा, इसके बाद बात पूरी कर लेंगे, इसलिए कि वो 12 लोगों का जिक्र करने जाएंगे तो शायद रात के 3 बजेंगे, और मेरी आदत है इससे पहले कि लोग जिक्र इलाही से उकता जाए हमें अपनी बात मुकम्मल करनी चाहिए, और लोग कहें चुप हो जाओ इससे पहले हमें खुद ही चुप हो जाना चाहिए। ये आदाब महफिल भी है और ये शराफत की निशानी भी है, तो मैं इसी पे बात पूरी करूंगा, फिर किसी दिन मौका मिला इंशाल्लाह तो, या तो आजकल तो बयान यूट्यूब पर आते ही रहते हैं, किसी भी जगह मुकम्मल हो जाएगी तो आप तक पहुंची जाएगी इंशाल्लाह। ये पांचवी बात है, लेकिन इसको ध्यान से सुन, और ये आखिरी बात है आज की महफिल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पांचवा टोला जब कब्र से निकलेगा तो उनके जिस्म से मुर्दार की बदबू आए,
मुर्दार की बदबू, और वो मुर्दार की बदबू लेकर के अपने कब्र से उठेंगे। साहबा ने पूछा, हुजूर वो कौन होंगे? आका फरमाते, वो लोग होंगे जो दुनिया में छुप छुप कर गुनाह करते, तन्हाई में गुनाह करते, पोशीदा तौर पे गुनाह करते, लोगों के सामने नेकियां और तन्हाई में गुनाह। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है, जो लोगों के सामने नेकी करके तन्हाई में गुनाह करें, मैं उनके साथ एलाने जंग करता हूं। और दूसरी हदीस में आता है कि हबाअ मंसूरा की तफसीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, आका फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा, हुजूर ये हबाअ मंसूरा का मतलब क्या है? कि अल्लाह उनकी नेकियों को जर्रे की तरह बिखेर देगा। तो आका फरमाते हैं, जो तन्हाइयों में गुनाह करते थे, अल्लाह उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगा जैसे रोजोन के जर्रात होते, जो सिर्फ धूप में नजर आते, इतने बारीक कर देगा अल्लाह, यानी इतनी बेउकत हो जाएगी उनकी नेकियां कि अल्लाह ताला उनके जर्रे जर्रे कर देगा, उनकी नेकी कोई काम की नहीं होगी। और अल्लाह पाक उनकी नेकियों को रद्द फरमाएगा। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो मुत्तकियों के लिए है। इस सिलसिले में हजरत जैद एक बात बयान करते, फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान गया, जब कब्रिस्तान पहुंचा तो एक दरख्त को टेक लगाकर मैं बैठ गया, इसलिए कि मैं चाहता था कि कब्रों को देख करके इबरत हासिल करूं। ऐसे ही मैं टेक लगा के बैठ गया तो मैंने क्या देखा, मेरी आंख लगी, आंख लगी तो दिल की आंखें बेदार हुई, मैंने ख्वाब देखा कि लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे हैं, किसी के उजले लिबास है, किसी के मैले लिबास है, कोई कैसा है कोई कैसा है, लेकिन एक शख्स को मैंने देखा, जब वो उसकी कब्र से उठा, उसकी कब्र से, तो एक आसमान से आग की चैन जंजीर आई और उसके हलक में डाली गई, और वो उसके हलक से गुजरते हुए पेट और पेट के बाद फिर नीचे के मकाम से वो जंजीर निकल गई, और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और चीखते चिल्लाते कहता था, मुझ पर ये क्या अजाब हो रहा है? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? क्या मैं रोजा नहीं रखता था? क्या मैं रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखता था? क्या मैंने हज नहीं किया था? क्या मैंने उमरे नहीं किए थे? क्या मैंने सदका नहीं दिया था? क्या मैंने जकात नहीं दी थी? क्या मैं फला नेक काम नहीं करता था? गर्ज के वो अपनी सारी नेकियों को गिनाएगा गिनाएगा गिनाएगा, इसका मतलब वो गुनेगार नहीं था, वो नेकोकार था, इसलिए वो वहां भी नेकियों को गिनाएगा। हजरत जैद कहते हैं, जब वो अपनी नेकियों को गिना रहा था तो गैब से आवाज आई, बंदे तू सारी नेकियां करता था, लेकिन जब तू अकेले में और तन्हाई में होता था तब तू गुनाह करता था, अल्लाह से नहीं डरता था। तो जिसने तन्हाई के अंदर गुनाह किया, अल्लाह ने उसकी नेकियों को जाय कर दिया। आपसे पूछता हूं, अल्लाह के बंदो, नरम नरम गद्दों पे लेटकर रात की तन्हाइयों में चार दीवारी में क्या देखते हो? कौन क्या देखता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, वो गंदी फिल्में, वो गंदे मनाजिर, वो गंदी तस्वीरें रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। जो तन्हाइयों में गुनाह करते हैं और लोगों के सामने नेकियां करते हैं, कब्रों से उठेंगे तो उनके बदन से मुर्दार की बदबू होगी। अल्लाह उनके साथ एलाने जंग करता है, उनकी नेकियों को रेत के जर्रों की तरह बिखेर दिया जाएगा। अपने आप पे रहम करो मेरे भाइयों, कयामत के दिन कौन है अपना सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, एक ही सहारा है, अगर गुनाह कर करके उनका दिल दुखा दिया, उनको नाराज कर दिया, तो बताओ अपना क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सज्जदना फारूक आजम कहते हैं, लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं, फारूक आजम फरमाते हैं, मैं तो इतना समझता हूँ, गुनाह कोई भी करो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है, हुजूर का दिल दुखता है, कोई गुनाह करो दिल हुजूर का दुखता है। अब आपको से पूछता हूँ, चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, फारूक आजम कह रहे हैं आका का दिल दुखता है, गंदी फिल्में देखते हो, फारूक आजम कह रहे हैं आका का दिल दुखता है, किसी औरत पर बदनजरी करते हो, आका का दिल दुखता है, मस्जिदों को वीरान करते हो, आका का दिल दुखता है, नमाजों में सुस्ती करते हो, आका का दिल दुखता है, किसी मोमिन को गाली देते हो, आका का दिल दुखता है। इतना रसूलुल्लाह का दिल कब्र अनवर में दुखाओगे और उसके बाद मैदान महशर में जब शफाअत की भीख लेने के लिए उनकी बारगाह में पहुंचोगे, अल्लाह न
करे अगर उन्होंने मुंह फेर लिया और मुंह फेर करके ये कहा, ओ मुनाफिक झूठे, मुझसे इश्क का दावा करता था और मेरे दिल को छलनी छलनी करता था, मेरे दिल को दुखाता था, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाता था। बताओ भाइयों, जब सब ने ललकार दिया होगा तो उसी आमिना के लाल का सहारा होगा, मेरे आका अली सलात व तस्लीम की शफात होगी अगर वो भी मुंह फेर लें। हालांकि उनके करम से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी मिजाज की नजाकत बेचैन भी करती है। हजरत जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। मेरे आका की गैरत बहुत नाजुक है, कितनी नाजुक है इतना अंदाजा कर ले। एक बार उम्मुल मोमिनीन ने अपने घर के दीवारों पे पर्दे लटका दिए तो आका अलैहि सलाम ने चेहरा फेर करके ये फरमाया कि हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, महबूबाए महबूबे रब्बुल आलमीन अगर दीवारों पे पर्दे लटका दे तो वहां से गैरत की वजह से चेहरा फेर लिया जाता है। इतने जरायम करके।